जय भाई से पूछते हैं, जय भाई कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसके करवाने के लिए। वॉश हो चुके आप हेयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल चुका है और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस चीज का मैं कब से इंतजार कर रहा था, कितने टाइम से इंतजार कर रहा था, कितने टाइम से नहीं कर रहा था, सारी चीजें मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे ये जो हेयर है, मैं इसको बहुत दिनों से तो बढ़ा रहा था करवाने के लिए रिमॉन्डिंग, जो कि टुडे द डे हैज कम, वो मैं करवाने जा रहा हूँ आज। वो चीज़ आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगी। और इसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, बचपन से इंतजार कर रहा था, सिंस चाइल्डहुड, और लंबे समय से कह सकते हो, सिंस लॉन्ग टाइम से भी आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, मैं इसका जब से इंतजार कर रहा था। सो आज मैं जाऊँगा कराऊंगा रिमॉन्डिंग अपने हेयर स्टाइल की, और सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या क्रीम लगती है, क्या लगता है क्या नहीं। बट इनको मैं बहुत दिनों से रखना चाहता था, बट मेरे घर वाले मम्मी पापा जी की वजह से मैं इसको नहीं रख पाता था। फाइनली आज ये रखते 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 मैंने इतनी बोलने के बाद घर में पापा को बोला, मम्मी को बोला रखने दो, एक बार तो रखने दो, एक बार रखने दो, तो जाकर पापा मम्मी ने माना, तो उन्होंने माना, तो आज मेरे बाल इतने बड़े हो चुके हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और आज मैं जाऊंगा अभी इन्हें रिमॉन्डिंग करवाऊंगा। सो अब चलते बिना देरी करते हुए रिमॉन्डिंग की शॉप पे, जो शालिनी शॉप होती है, जहाँ पे मैं करवाऊंगा। थैंक यू सो मच मम्मी पापा जी, आप लोगों ने मुझे रखने दिए इतने बड़े हेयर स्टाइल, इतना बड़ा करने दिया, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। जितना ही बोलूं उतना ही कम है, थैंक यू सो मच अगेन। और अब चलते हैं सैलून शॉप पे, और जो जो प्रोसेस होगा इसका, जो क्रीम वगैरह जो भी लगती है, वो सारी चीज़ आपको मैं वही बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या लगता है क्या नहीं, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो में बने रहिएगा, मजा आएगा आपको देख के हेयर स्टाइल का, ये मेरा ब्लॉग। सो अब चलते हैं, लेट्स गो। सो शॉप पे आ चुका हूँ मैं, सैलून की शॉप पे। आपको जैसे देखिए नजर आ रही है सैलून की शॉप पे भाई की, और जो अभी भाई करेंगे वो आपको दिखाएंगे, मैं आपको अब दिखाऊंगा भाई जो जो रिमॉन्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले क्या करेंगे भाई हम? सबसे पहले हेड वॉश करेंगे। सो सबसे पहले हेड वॉश ना, तो सबसे पहले हेयर वॉश करेंगे, तो हेयर वॉश करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरा ब्रदर शूट करेगा, जिसका नाम नीतीश है, वो पीछे देखिए ये रहा, ये हमारे भाई आज कैमरामैन बनेंगे मेरे लिए, आज कैमरामैन। तो मेरे लिए बनोगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बता दो मुझे। चलो ठीक है, फिर आप भाई कैमरा संभालो, हम चल दिखाते हैं भाई। तो फाइनली आज हमारे भाई के बाल रिमॉन्डिंग होंगे, हमारे भाई बहुत खुश हैं, एक्साइटमेंट में लग रहा है। और ये हमारे सोनू भाई हैं, ये आज भाई के बालों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखते हैं गाइस कब तक काम खत्म होगा और कब तक भाई के बाल हो जाएंगे। तो हम आज भाई से पूछते हैं, भाई कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसके करवाने के लिए। हालांकि मैंने बता दिया आप लोगों को, बट फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बचपन से करवाने का ऐसा ड्रीम था और आज जा करके पूरा हो पा रहा है, तो करवा रहा हूँ मैं। और ये देख सकते हैं गाइस, जैसे हमको होना चालू हो गया, अब यहाँ से काम स्टार्ट हो चुका है। सोनू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो भाई थोड़ा शैम्पू लगा रहे हैं भाई के बालों। सबसे पहले हमने भाई का हेयर वॉश कर लिया है, बाल वॉश कर लिए हैं, और हम ड्राई करते हैं और तीनों अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये लॉरी क्रीम है प्रोफेसर एक्सटेंसो, और ये हम यूज करने वाले हैं भाई के हेयर में। क्रीम का टाइम हो चुका है, अब हम इसको वॉश करेंगे। कितना वॉश करोगे भाई? कितना वॉश करोगे? अभी तो बहुत वॉश करेंगे, आराम से बैठे रहो, बहुत टाइम लगेगा अभी, जल्दी ना करो। अरे भाई बहुत देर होगी बैठे बैठे, बहुत देर होगी, ये तो एक डेढ़ घंटे तुमने इसमें लगाने में, अप्लाई करने में लगा दिया, बैठे बैठे कमर कट गई और एक्चुअली सर में भी वो हो गया, हल्का हल्का पेन जैसा हो गया, क्योंकि एक जगह पे बिठा रखा तुमने, अकड़ गई है कमर। और सो वॉश हो चुके अब हेयर, और जैसे कि आपको नजर आ रही है वॉश हो गए हैं, और इसके बाद का जो प्रोसेस है सोनू भाई अभी करेंगे। इसके बाद अब क्या होगा भाई? ड्राई करेंगे, बालों को सुखाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसमें आयरनिंग करेंगे। हेयर ड्रायर मारेंगे पहले, बाल सुखा दो, उसके बाद आयरनिंग करोगे? स्ट्रेटिंग मीन्स जो मशीन से करते हैं वो वाली?
तो ड्रायर वगैरह मार दिया इसमें हेयर में, अब इसमें भाई करने जा रहे हैं आयरनिंग। आयरनिंग मशीन जो रिमोल्डिंग की जो मशीन होती है इससे वो करते हैं, वही होगी ना भाई अब? हाँ भाई, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए भाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को पीछे से दिखा देते हैं एक बारी कैसे कैसे मार रहे हैं, ये देखिए धुआं निकल रहा है। रिमोल्डिंग हो चुकी है जैसा आपको नजर आ रहा बाल, और इसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। अभी मेरे हाथ में दिख रहा है आपको ये शैम्पू क्या है, कंडीशनर जो भी है, ये जो लगेगा आप, इसके बाद जाकर के फिर बाल पूरे परमानेंट जो स्टेट होते हैं वो उस तरीके से हो जाएंगे। सो अभी अप्लाई करेंगे भाई, आप लोगों को दिखाएंगे अप्लाई करते हुए। क्रीम लगा दी है भाई ने हेयर में जैसा आपको नजर आ रहा है, अप्लाई कर दिए पूरे बालों में क्रीम। और इसके बाद अब क्या होएगा, हेयर वॉश वो लास्ट प्रोसेस होएगा जो इसके बाद का हेयर वॉश का, वो एक्चुअली क्या है कि अब परमानेंट जो हेयर वॉश करेंगे उसके बाद क्या ड्रायर करेंगे, ड्रायर करने के बाद परमानेंटली रिमाइंडिंग हो जाएगा। वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको अभी अब दिखाएंगे, वो 10 मिनट के लिए अभी इसको छोड़ते हैं, 10 मिनट बाद जब वॉश करेंगे तो आपको दिखाते हैं, 10 मिनट आपको मिलते हैं। तो चल रहे हैं अब इसको वॉश करवाने, और वॉश करवाते आप लोगों को अब दिखाएंगे, तो अब चलते हैं। वॉश हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखिए जैसे पूरे गीले, जैसे पानी गिरा, पानी गिरता नजर आया आपको। और अब बैटिंग इंच पे लगेगा ड्रायर, ड्रायर करवाते हैं लास्ट है, इसके बाद जो भी होएगा फिर आपको दिखाएंगे फाइनल। ये भाई, ये हमने बाल किए हैं हमारे भाई के, तो बताएंगे क्या रिजल्ट आए, तो बताएंगे बताओ भाई। तो बहुत बढ़िया आया गाइस, सामने ये सारे रिजल्ट जो भी किए, बस ये है कि अब केयरिंग कर रहे हैं, केयरिंग क्या क्या करनी है सारी चीजें इन्होंने मुझे बता दी है, जो जो चीजें करनी है वो सारी चीजें मैं उस चीजों का ध्यान रखूंगा, जो जो बता भाई ने की इसको अभी 24 घंटे तक इसको धीरे नहीं करने है, और ना ही शैम्पू तेल वगैरह इन सब चीजों से स्वेटिंग होगी तो उनसे बचा के, और ये सारी चीज़ें का रूल हमें फॉलो करने हैं भाई जो बोले। तो भाई का जो शॉप है ये मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, भाई का मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप में से जिस भाई को आना हो यहाँ पे घुमाना जो भी करवाना हो एड्रेस मोबाइल नंबर कॉल करेंगे सब चीज़ आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आना हो फोन करते आप पता कर लेना, पता करके आपको अच्छा लगे सूटेबल लगे तो आप यहाँ सकते हैं। भाई शैलून का नाम है जैगवार, और भाई का नाम है सोनू, उन्होंने किया सैलून। ओके भाई के सैलून का नाम बोल जाएगा यूनिसेक्स सैलून। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और ब्लॉग को करते हैं एंड, एंड आई नीड योर सपोर्ट और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं से और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, पैसा थर कोई कमाता है सुनने वाले इंसान कमाता है, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज अजय कुमार ब्लॉग्स, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड गाइस कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा।